चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे बेटा वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो ये बताती है हमें कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए? उसके लिए दिया गया वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसको अपन लोग बोलते हैं वीबीटी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, वीबीटी बोलते, देखो अभी तक तो हमने ये देखा भैया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था। नॉर्मल हमने लुईस डॉट में क्या समझाया था कि मान लो जैसे Cl2 है, तो Cl और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तुम क्या देते थे, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, इसका भी 2 8 7, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कमी है उतने को ये वाला क्लोरीन बीच में रख देगा एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा वाला क्लोरीन भी बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन को रख देगा, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये Cl2 बन जाएगा। यहां तक अभी हमने सीखा था। बट क्या फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कराने के लिए? क्या एक्चुअली क्या होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है, बट उस शेयरिंग के पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो सब अपने को समझना है। तो उसके लिए दिया गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके कुछ पहले पॉस्टुलेट हैं, उसको एक एक करके समझते हैं आराम से। पहला पॉइंट इसमें है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब भी को वीबीटी बोलती है, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी पहला पॉइंट है कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कब कैसे बनता है? ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। सेकंड पॉइंट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय दोनों एटम के जो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाह रहे हैं, दोनों एटम के वैलेंस सेल के केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। बात समझिएगा, इनका मतलब क्या है कि पहले तो बोला भैया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनते समय ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, बट ऐसा नहीं है दोनों एटम के सारे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एटम के वैलेंस सेल के वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरलैप। वैलेंस सेल के वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट होगी वही ओवरलैप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मैं आपसे बोलूं H2 मॉलिक्यूल, अब इसमें देखो दो H है, 1H1
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1H1, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s1, और ये तो देखो यहाँ पे यही ऑर्बिटल आपका वैलेंसियल ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड भी है, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट भी है। तो मॉलिक्यूल बनाते समय क्या होगा, यही दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है। तो पहले हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल समझिएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके H2 मॉलिक्यूल बना देंगे, कुछ ऐसा। जैसे अगला एग्जांपल लूंगा तो और क्लियरिटी आएगी, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, तो 17 क्लोरीन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, Cl और Cl का, तो वैलेंस सेल तो ये है 3s2 3p5। तो मान लो जो पहला क्लोरीन है उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अंदर वाले ये सब नहीं ओवरलैप करेंगे, ध्यान रखना, केवल वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो भी वही वाले वैलेंस सेल के ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे। ये देखिए 3s2 और 3p5, 1 2 3 4 5, ये 3s, ये 3p। अब 3p में देखो ये क्या होगा, 3px होगा, ये 3py होगा, ये 3pz होगा, किसी को तुम कुछ भी मान सकते हो। तो जो दूसरा क्लोरीन होगा वो भी ऐसे होगा बेटा, 3s2 3p5, 1 2 3 4 5, और एक में इलेक्ट्रॉनों की स्पिन आपको अपोजिट दिखानी पड़ेगी, अगर वीबीटी को समझा रहे हो तो। ये तो ये भी 3s और ये भी 3p, उसमें भी ये 3px, 3py, 3pz। तो जब Cl2 बनेगा बेटा, तो ये वैलेंस सेल का ऑर्बिटल तो 3s भी है, बट 3s ओवरलैप नहीं करेगा, वैलेंस सेल के वही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ जो हाफ फिल्ड होते हैं। देखो हमको लगता है कि ना तो 3s 3s ओवरलैप करेगा, ना तो 3px 3px ओवरलैप करेगा, ना तो 3py 3py ओवरलैप करेगा, केवल पहले क्लोरीन का 3pz और दूसरे क्लोरीन का 3pz ओवरलैप करेगा। ये देखो ये पहले क्लोरीन का 3pz हो गया मान लो, फिर ये दूसरे क्लोरीन का 3pz हो गया, और ये बन गया आपका Cl2 मॉलिक्यूल। पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट हुआ कि भाई वीबीटी ये बोलती है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, बट कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, सारे ऑर्बिटल नहीं ओवरलैप करते, केवल वैलेंस सेल के वो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपोजिट और हाफ फिल्ड होते हैं। तो ये दो पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात आ रही है ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के भी दो तरीके होते हैं। अब जैसे मैंने देखो, तुम सोचो सर पी ऑर्बिटल को आपने ऐसे ही क्यों ओवरलैप कराया, पी ऑर्बिटल तो ऐसे भी ओवरलैप कर सकता था ना, ऐसे इस तरह से भी ओवरलैप कर सकता है दो पी ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ तो यस, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करने के दो तरीके हैं, इसलिए तो दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, या तो सिग्मा बॉन्ड या तो पाई बॉन्ड, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड ही है, या तो सिग्मा बनेगा या तो पाई बनेगा, या सिग्मा पाई दोनों बन सकते हैं दो एटम के बीच में। तो ऑर्बिटल को भी ओवरलैप करने के दो तरीके होते हैं। इस तरह के ओवरलैप को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप, और इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, थर्ड पॉइंट इसका, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो देखिए दो तरह की ओवरलैपिंग होती है जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, या तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करेंगे, अभी सबको डिटेल में भी बताएंगे कि एक्सियल ओवरलैप किस किस तरह का होता है,
एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। और दूसरा होता है पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग या इसी को साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और इससे बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा एंड पाई। अगला पॉइंट जो अभी अभी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को भी डिटेल में करेंगे। चौथा पॉइंट है, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों ऑर्बिटल को इतना ज्यादा क्लोज ला दो कि रिपल्सन डोमिनेट करने लगे। ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%, 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। पता चला 50% ज्यादा ओवरलैपिंग करा दिए, दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस इतने क्लोज हो गए कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस वगैरह में रिपल्सन होने लगा, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। एंड ये अगला पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होते हैं वो मस्ट हैव सेम साइन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है एंट्रेंस में, चार ऑप्शन बना के दिया था, बताया था, बताइए कि कौन से ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन, मस्ट हैव सेम साइन, सेम साइन मतलब कहने का, जैसे मान लो ये पी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का मतलब ये देखो, ये तो हमको तो आपको बताया था, इस प्लस माइनस का मतलब ऐसा नहीं होता यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसके सामने मान लो मैं एक पी ऑर्बिटल ऐसा लाया, यहाँ भी सामने प्लस का ही साइन है, तो यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मान लो एक पी ऑर्बिटल ये है, यहाँ प्लस का साइन है, इसके सामने मैं एक पी ऑर्बिटल ला रहा हूँ जहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होके बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी आमने सामने सेम साइन आना चाहिए, जैसे यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो अगला पी ऑर्बिटल लिया यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, देखिए आमने सामने सेम साइन है तो यहाँ ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन एंट्रेंस में आ चुका है, तो आपको बस यही देखना है कि आमने सामने सेम साइन होना चाहिए तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, मस्ट हैव सेम साइन। अच्छा एक सीधी सी बात है, इसका मतलब वीबीटी में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, इसका मतलब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब जितना अच्छी एक्सटेंट ऑफ, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। भाई सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जब दो ऑर्बिटल इस तरह से अपने हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है। जबकि जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड वीक होता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, अब ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि तुम 50% ज्यादा ओवरलैप करा दो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है, अच्छी है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के बीच में, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा होगा, बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसका मतलब दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिससे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। भाई जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा है तो दोनों एटम बहुत क्लोज चले हो गए होंगे। तो बताइए आपको इतना पॉइंट समझ में आया, तब मैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग स्टार्ट करूं डिटेल में। चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया।
चलिए अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को मैं डिटेल में स्टार्ट करता हूँ कि एक्सियल ओवरलैप जो होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करते हैं, क्या एक्चुअल मीन होता है एक्सियल ओवरलैप का। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। दो तरह की होती है बेटा, एक्सियल और पैरेलल। तो पहला स्टार्ट करते हैं एक्सियल ओवरलैप। या इसी को हेड ऑन ओवरलैप भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब ओवरलैप करते हैं तो इनको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। यानी इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओवरलैप अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस देन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैप। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं तो इसको हम एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती कौन कौन सी ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करते हैं। तो ध्यान रखना एस एस ओवरलैप हमेशा एक्सियल ओवरलैप होता है। और एक बात है कि एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। इस टाइप की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, कौन कौन सी ओवरलैपिंग बेटा एक्सियल होती है। एस एस ओवरलैप, जब भी दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं ना बेटा तो उनकी ओवरलैपिंग एक्सियल ही होती है। एस एस ऑर्बिटल कभी पैरेलल ओवरलैप कर ही नहीं सकते क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर चलने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इसलिए एस एस ओवरलैप हमेशा एक्सियल होता है। ठीक है, दूसरा एस पी ओवरलैप भी, एक एस और एक पी ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो हमेशा वो एक्सियल ओवरलैप ही होगा। जैसे देखिए ये एस ऑर्बिटल हो गया, एस और पी में भी हमेशा एक्सियल ओवरलैप होता है, ध्यान रखना ये ओवरलैप, ये एस है ये पी है, ये ओवरलैप एक्सियल सिग्मा बनता है। पी पी में बेटा तीसरा एग्जांपल है जो एक्सियल ओवरलैप, पी पी ओवरलैप, बट पी पी ओवरलैप से सिग्मा भी बन सकता है पाई भी बन सकता है क्योंकि पी पी ओवरलैप एक्सियल भी हो सकता है लेटरल। ठीक है, तो एक्सियल अभी ये पढ़ा रहा हूं, ये देखिए एक पी ऑर्बिटल, ये रही उसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो अगला पी ऑर्बिटल ये अलोंग दे रही, तो ये पी पी ऑर्बिटल है सिग्मा बन गया। हाँ, लेकिन पीपी बेटा लेटरल पैरेलल भी ओवरलैप कर सकता है, जबकि एस एस ऑर्बिटल और एस पी ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बनता है, बट पी और पी के ओवरलैप से सिग्मा भी बन सकता है पाई भी बन सकता है, डिपेंड करता है वो अपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तीन ध्यान रखिएगा, एस एस ओवरलैप, एस और एस ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस और पी ओवरलैप से सिग्मा, पी और पी से सिग्मा और पाई दोनों बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप किया है तो यहाँ पे सिग्मा। अब लेकिन अगर ऐसे ओवरलैप करेगा, देखो ये रही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप नहीं किए हैं, तो इससे बनने वाला बॉन्ड पाई कहलाता है। पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया एक्सियल ओवरलैप क्या होता है, किन किन ऑर्बिटल के बीच में होता है, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप। चलिए अब दूसरा है पैरेलल या लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग। सेकंड है अपने पास पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं दे डू नॉट ओवरलैप अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, एंड यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस तरह की ओवरलैपिंग से। यहां कौन कौन से ओवर एग्जांपल अगर बताऊं तो पैरेलल ओवरलैप के, एक तो पीपी ओवरलैप, दूसरा पीडी ओवरलैप, तीसरा डीडी ओवरलैप। अपने सिलेबस में अपने को पीपी ओवरलैप और पीडी ओवरलैप ही समझना है, डीडी बता दूं कैसे होगा। पीपी तो याद करो, अगर एक पी ऑर्बिटल ये है, ये रही उसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगला पी ऑर्बिटल ये रहेगा। देखो ये जो ओवरलैपिंग है इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई। पीडी का मतलब ये रहा देखो आपका पी ऑर्बिटल, अब डी ऐसा डबल डंबल होता है, इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो अगर पी और पी मिलके पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो ऐसे पाई बॉन्ड को हम बोलेंगे पी पाई बॉन्ड। अब यहाँ पी और डी की लेटरल ओवरलैपिंग है तो इस पाई बॉन्ड का नाम पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब यहाँ डी और डी तो डी डबल डंबल है, अगला भी डी डबल डंबल होगा, ये ओवरलैप होगा, इसको बोलेंगे डी पाई, बट इसके एग्जाम्पल अपने सिलेबस में है ही नहीं, केवल आपको पी पाई और पी पाई डी पाई समझना है। तो चलिए जरा सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिख लेते हैं, जरा आपको दिखा सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिख लेते हैं। उससे पहले आपको जरा सा O2 और N2 मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग समझा देते हैं। पहले जरा देखो, जैसे O2 मॉलिक्यूल की हम बात करें, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम हैं, तो देखिए 8 ऑक्सीजन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p4, अगला ऑक्सीजन भी होगा 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ देखिए ये रहा वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो ये 2s2 और 2p4, 1, 2, 3 और 4, इसको लो बोल सकता हूं मैं 2px, 2py और 2pz, और ये तो 2s है। इसके भी वैलेंस सेल का ऑर्बिटल डायग्राम देखा जाए तो 2s2 और 2p4, 1, 2, 3 और 4, ये हुआ 2s, 2px, 2py, 2pz। तो बेटा O2 बनते समय अपने पता है अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कोवेलेंट बॉन्ड है
तो दोनों एटम के वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड होते हैं। तो यहाँ देखो दो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, 2PY और 2PZ। यहाँ भी देखो 2PY और 2PZ, और हम मेन एक्सिस Z को मानते हैं। इसका मतलब यही दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो देखो ध्यान देखो, ये पहला ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये पहले ऑक्सीजन एटम का हो गया 2PZ, 2PZ, तो ये भी हुआ 2PZ और 2PZ। तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये पहले ऑक्सीजन का 2PZ, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2PZ, ओवरलैप करके सिग्मा बनाए। वे अगर दो अनपेयर्ड हैं तो पहली ओवरलैपिंग हमेशा एक्सियल ही होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद सारे बॉन्ड पाई बनेंगे। अब एक हाफ फील्ड और है, 2PY, 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 2PY। अब इसमें बीच में क्या हो गया, लैटरल ओवरलैपिंग होगी इनके इनके बीच में, और पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है दो एटम के बीच में, उसके बाद जो जो भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बनते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? इसका मतलब सिग्मा बना, पाई बना, इसी का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक सिग्मा और एक पाई। आया समझ में? विशाल बेटा देखो, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं कि डाउट हो। हमने बोला कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम के वैलेंस शेल के वो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं। तो यहाँ देख बेटा, एक 2PY और 2PZ, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे, जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो सब ओवरलैप करेंगे। तो बेटा जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पहला ऑर्बिटल आपको एक्सियल ही कराना है, पहले आपको सिग्मा ही बनाना है। अब तुम चाहो 2PY, 2PY का सिग्मा बना लो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो 2PY, 2PY को सिग्मा बना के ओवरलैप करा लो, लेकिन अपने को पता है मेन एक्सिस जेड एक्सिस होती है, तो जेड एक्सिस के अलावा हमने सिग्मा बना लिया 2PZ, 2PZ को ओवरलैप करा के, बाकी जो ये 2PY बचा, अब ये थोड़ी एक्सियल ओवरलैप कर सकता है, अब तो इसको लेटरल ओवरलैप ही करना होगा। तो लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया, एक सिग्मा बना एक पाई बना। समझा कि अभी भी नहीं समझा? चलो चलिए, ऐसी बेटा नाइट्रोजन का भी देखो, नाइट्रोजन बताऊंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अगर नाइट्रोजन को मैं आपको बताऊं, N2, तो दो नाइट्रोजन है, 7 नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। दूसरा भी नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। अब ये देखो, ये रहा वैलेंस शेल, ये रहा वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, 2s2 और 2p3। टू एस टू और 2p3। अब देखो 2p3 में भी ये हो जाएगा 2px, 2py और 2pz, ये भी 2px, 2py और 2pz। इसका मतलब इस बार वैलेंस सेल के तीनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ठीक है, बस हाँ काम क्या करिएगा, एक तरफ ऐसे बनाया है तो इनकी स्पिन को अपोजिट कर दीजिएगा अगर दिखाना है तो, नहीं तो अंडरस्टूड होता है जब भी बॉन्ड बनेगा तो स्पिन तो अपोजिट हो ही जाएगी। तो देखो 2px, 2py, 2pz, ये तीन ऑर्बिटल वैलेंस शेल के हाफ फील्ड है, यही ओवरलैप करेंगे। तो किसी एक का पहले तुम एक्सियल करा दो, चलो हम जेड एक्सिस को ही मेन एक्सिस मानते हैं, कुछ ऐसा करा देते। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2pz, पहले नाइट्रोजन का 2pz दूसरे नाइट्रोजन का ओवरलैपिंग करके मान लो ये बना दिया सिग्मा 2pz वाले। अब बचे दो ऑर्बिटल और हैं, तो समझ लो कि ये मान लीजिए हो गया आपका 2px, 2px और ये हो गया आपका 2PY, 2PY।
सब 90 डिग्री पे होते हैं बेटा, पीएक्स पीवाई पीजेड ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होता है। तो एक तो एक्सियल ओवरलैप करेगा, बाकी बचे दो ऑर्बिटल आपस में लैटरल ओवरलैप करेंगे, इसके साथ ये इसके साथ, मतलब पैरेलल ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड बना जो टू पी जेड ओवरलैपिंग से बना। एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद दो एटम भी जितने बॉन्ड बनते हैं सब पाई बनते हैं, तो दूसरा भी पाई, तीसरा भी पाई, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए। समझ में आया? तुम बेटा एक्स भी ले सकते हो, तुम चाहो तो 2px ही ले लो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तुम 2px क्या 2py भी ले सकते हो, कोई भी ओवरलैप करा सकते हो एक्सियल, कोई एक ओवरलैप एक्सियल कराना पड़ेगा पहले। सिग्मा, बिना सिग्मा बने पाई कभी नहीं बनता, ध्यान रखना। विदाउट फॉर्मिंग सिग्मा यू कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है? कभी देखा है क्या कि कार्बन और कार्बन के बीच केवल पाई बॉन्ड हो? अरे पाई भी होगा, पहले एक सिग्मा होगा तभी तो पाई होगा ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, उसके बाद दो एटम भी जितने बॉन्ड बनेंगे सब पाई बनेंगे, एक बॉन्ड सिग्मा बनता है। जैसे देखो मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ, ऐसे बड़ा सिंपल, देखो 2px 2py 2pz की बात करूं, जरा ऐसे समझो थोड़ी देर के लिए, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे पहुंचता हूँ। चलो मैं दिखने लगा तो बताना जरा, ये देखो समझो, 2px 2py 2pz बेटा। देखो पीएक्स पीवाई पीजेड कहाँ होता है बेटा, 90 डिग्री एंगल पे होता है तीनों ऑर्बिटल। अब तीनों ऑर्बिटल खाली हैं, अब इधर देखो पीएक्स पीवाई पीजेड, तो कोई एक ही ऑर्बिटल तो बेटा एक्सियल कर सकता है ना, ऐसे ओवरलैप कर, बाकी ये दो ऑर्बिटल एक्सियल कैसे करेंगे? तो पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों 90 डिग्री पे है, तो इधर भी पीएक्स पीवाई पीजेड, तो एक ही कोई ऑर्बिटल होगा जो एक्सियल ओवरलैपिंग कर पाएगा, जिसे सिग्मा बनेगा। अब बाकी ये अंगूठा मेरा जो है ये लेटरल ओवरलैपिंग ही कर सकता है, और ये वाला भी देखो ये लेटरल ओवरलैपिंग कर सकता है, और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। समझ में आया? हाँ चलिए। और अभी क्या है ना, अभी क्लास में नहीं है ना हम लोग, इसे थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, सामने होता है तो और ज्यादा क्लियरिटी रहती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में सिग्मा ही बनेगा, तो अगर एक ही एक वैलेंस शेल का ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो सिग्मा ही बन जाएगा। अब दो हाफ फिल्ड बचे हैं तो एक से सिग्मा एक से पाई, अब तीन हाफ फिल्ड है तो एक से सिग्मा दो से पाई। चलिए अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, ठीक है? सिग्मा वर्सेस पाई, इधर मैं लिखता हूं सिग्मा बॉन्ड, इधर मैं लिखता हूं पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है भाई? पहला डिफरेंस तो कैसे बनता है भाई, ये एक्सियल ओवरलैप से बनता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक्सियल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बनता है, और ये पैरेलल ओवरलैप से बनता है, पैरेलल ओवरलैप से बनता है। दूसरा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जिससे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ कम होता है, जबकि यहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही कम होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही कम होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी कम होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी भी कम होती है और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड वीक है तो अट्रैक्शन कम है। थर्ड पॉइंट,
ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। जैसे कार्बन कार्बन है तो यहाँ एक ही सिग्मा, इसके बाद इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा, सिग्मा नहीं बनेगा इसके बाद। तो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम। Only one sigma bond formed between two atom. दो एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि यहां पे क्या, दो एटम के बीच में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड बन सकते हैं, मोर देन वन पाई बॉन्ड। अभी मैंने आपको नाइट्रोजन में दिखाया था, मोर देन वन पाई बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन टू एटम। जैसे नाइट्रोजन में देखिए दो पाई बॉन्ड बना था, एक से अधिक पाई बॉन्ड दो एटम बीच बन सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज लोकलाइज्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेटा मोस्टली वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो फिक्स होते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्योंकि वो बहुत टाइटली ओवरलैप होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं होते, यानी फिक्स होते हैं, जबकि पाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है दे कैन अंडरगो डीलोकलाइजेशन। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं, क्योंकि बड़े मंचले टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप लोग हो, एक जगह से दूसरी जगह वो भाग सकते हैं। अगर कॉन्जुगेशन दिख गया मॉलिक्यूल के अंदर, आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस वगैरह, तो आपको समझ में आएगा। तो पाई बॉन्ड कैन अंडरगो डीलोकलाइजेशन, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, वो भी हमेशा डीलोकलाइज नहीं होते, जब कॉन्जुगेशन होता है मॉलिक्यूल के अंदर तब डीलोकलाइज करते हैं। पाई बॉन्ड अंडरगोज डीलोकलाइजेशन, यानी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। चलिए पांचवा, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, आपने शायद एल्केन में पढ़ा होगा कन्फर्मर, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, मतलब कहने का क्या, अगर मैं किसी एक कार्बन को फिक्स कर दूं और मैं दूसरे कार्बन को 360 डिग्री घुमा सकता हूं, 360 डिग्री घुमा सकता हूं, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, तभी तो कन्फर्मर्स बनते हैं, आपने एल्केन चैप्टर में पढ़ा होगा। पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होता, पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन नहीं होता, पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड पाई बॉन्ड। और यही वजह होती है कि पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, सिस ट्रांस बनाते हैं। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, ठीक है। अगला डिफरेंस है, सिग्मा बॉन्ड जो है बेटा वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे हम चार सिग्मा देखते हैं तो हम बोल देते हैं sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तीन सिग्मा देखते हैं तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता, कोई रोल नहीं होता ज्योमेट्री को डिसाइड करने में पाई बॉन्ड का। तो अगला डिफरेंस हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिग्मा बॉन्ड decides geometry of molecule, geometry of molecule, molecule की geometry को decide करता है, but pi bond do not decide geometry of molecule। कोई molecule कितने pi bond बनाया है उसको गिन के तुम नहीं बता सकते कि उसकी geometry क्या है। pi bond do not decide geometry of molecule। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल,
अगला डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोन, सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच अकेले भी बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोन, सिग्मा बॉन्ड तो अकेले भी बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड बिना सिग्मा बने कभी भी पाई नहीं बन सकता। दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्ड अकेले भी बन सकता है, देखिए अगर दो एटम के बीच पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले सिग्मा बनाना ही बनाना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए सिग्मा और पाई बॉन्ड में, आई होप समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। चलो समझा, चलिए ये तो हुआ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब एक टॉपिक छोटा सा इसमें आ जाता है बेटा आपका, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिफ्थ पॉइंट रिपीट करिए, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। बेटा ये तुमको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो फिर, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट सिग्मा बॉन्ड। बेटा अपने एल्केन में भी ये बात पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, एक कार्बन को फिक्स करके आप दूसरे कार्बन को 360 घुमा सकते हो, 360 घुमा सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड को आप पूरा 360 डिग्री घुमा नहीं सकते, घुमाओगे तो टूट जाएगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। और क्या है इसमें, हाँ सिग्मा बॉन्ड बेटा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड बेटा स्ट्रांग बॉन्ड होता है कंपेयर टू पाई, यस कंपेयर टू पाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग काफी अच्छी होती है, जबकि पाई बॉन्ड बनते समय जो ऑर्बिटल है पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो वहां ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितना इसमें होगा। सीधी सी बात आप ऐसे देखो, जरा दो मिनट के ऐसे देखो, आप ऐसा समझो, यहां पे अगर मैं बात करूं ऐसा तो देखो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे एक दूसरे में घुस गए तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग है, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है ये वीक ओवरलैपिंग है पैरेलल, ये वाली ओवरलैपिंग स्ट्रांग ओवरलैपिंग है, ठीक है एक्सियल ओवरलैप, और ये वाली कैसी है वीक, और ये जो फ्री रोटेशन वाला है ये भी तुम लोग देख लो भाई, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन मतलब कैसे, मान लो ये हमारी जैसे टैबलेट की ये आपकी पेन है, इसको सिग्मा मानो, यहां भी कार्बन, फ्री रोटेशन मतलब मैं इस कार्बन को फिक्स करके इसको पूरा 360 डिग्री घुमा सकता हूं, पूरा 360 डिग्री घुमा सकता हूं। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड होता, अगर यही डबल बॉन्ड होता, मान लो ये एक सिग्मा एक पाई, तो इधर के दो दो को फिक्स करके अगर मैं इसको घुमाता तो ये बॉन्ड टूट जाता, ये बॉन्ड टूट जाता, पूरा नहीं घूम जाएगा 360, इसीलिए फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। सर CO2 N2 और Cl2 विच इज हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, ये बेटा बॉन्ड एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट जो है अभी बाद में आएगा, अभी यहाँ पे आपको लास्ट में बॉन्ड एंथैल्पी बताएंगे। वैसे भी देखो CO2 के पास दो सिग्मा दो पाई, N2 के पास एक सिग्मा दो पाई, और Cl2 के पास बेटा केवल एक सिग्मा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो CO2 के पास बेटा दो सिग्मा दो पाई है, इसका मतलब सब बॉन्ड एनर्जी CO2 की ज्यादा होगी, फिर आपकी किसकी, एक सिग्मा दो पाई, देखो सिग्मा, देखो सबसे ज्यादा सिग्मा कहाँ है, तो CO2 में दो सिग्मा है, सब CO2 का स्ट्रक्चर ये है, तो यहाँ दो सिग्मा दो पाई, N2 में देखो एक सिग्मा दो पाई N2 में, और Cl2 में केवल एक सिग्मा। तो भैया अगर ज्यादा बॉन्ड तोड़ना होगा तो एनर्जी तो ज्यादा लगेगी ना यार, तो CO2 में देखिए दो सिग्मा है, N2 में एक ही सिग्मा है, तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट है, उसके बाद फिर N2 को फिर Cl को, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाएगी ना, बॉन्ड बेटा जितने ज्यादा एटम के बीच बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड डू नॉट डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यस पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करता ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को बेटा, भी जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाऊंगा तब आपको ये बात बताऊंगा कि भाई ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना आता है, जैसे CH4 है, उसमें जैसे CH4 को तुमने पढ़ा होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि वहां चार सिग्मा बॉन्ड बनते हैं,
ठीक है। जबकि एल्कीन में भी देखो तुमने ऐसा देखा होगा कि एल्कीन का कार्बन, अब देखो अगर बहुत ध्यान से समझो, सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करता है, तो सिग्मा 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 और एक पाई, क्योंकि तीन सिग्मा है तभी एल्कीन का कार्बन sp2 हाइब्रिड है। अगर पाई भी गिन लोगे तो sp3 हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और सिग्मा बॉन्ड ही ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, पाई बॉन्ड ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होगा क्योंकि ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो बोल दो भैया। समझ में आ गया इतना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब एक बॉन्ड आता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, छोटा सा ही टॉपिक है, कोवेलेंट से मिलता जुलता बॉन्ड है, इसीलिए आसानी से समझ में भी आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करना होगा मुझे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, या इसी को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, या इसी को डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ एक एटम लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, या इसको सेमी कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आधा कोवेलेंट आधा आयनिक होता है ये, सेमी कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, या इसको सेमी आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, सेमी आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड के नाम से ज्यादा फेमस है। तो इसमें होता क्या है, कंडीशन क्या होती है, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, फिर दो तीन एग्जांपल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, पहला क्या होता है। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, देखो कोवेलेंट कब बनता था, जब दोनों एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता था, तो जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती थी दोनों जो थे, हाँ देना बेटा जी। चलिए, आइए, कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बोल रहा हूं कि यहां पे कोवेलेंट में क्या था, कि दोनों एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड करते थे दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता था। ठीक है, दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता था, तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम का ऑक्टेट का इनकम्प्लीट होता है और दूसरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक का इनकम्प्लीट होता है दूसरे का कंप्लीट होता है। ठीक है, एक का इनकम्प्लीट होगा और दूसरे का कंप्लीट होगा, और जिसका कंप्लीट होगा ना, जिसका कंप्लीट होगा ऑक्टेट, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कंडीशन क्या है, वन एटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड अदर शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहली कंडीशन क्या है, वन एटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट
एंड अदर शुड हैव इनकम्प्लीट ऑप्टेट। जबकि कोवेलेंट में दोनों के ऑप्टेट इनकम्प्लीट होते थे, अदर शुड हैव इनकम्प्लीट ऑप्टेट। पहला तो ये कि एक का ऑप्टेट कंप्लीट, दूसरे का इनकम्प्लीट होना चाहिए। सेकंड, जिसका ऑप्टेट कंप्लीट है उसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एटम विच हैज कंप्लीट ऑप्टेट, एटम विच हैव कंप्लीट ऑप्टेट शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर एक लोन पेयर होना चाहिए कम से कम, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, ए जो है इसके पास, मान लो इसके पास एक लोन पेयर है और बी जो है उसके पास लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ए का कंप्लीट है, तो ये अपने एक लोन पेयर को बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बी को दे देगा। इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो दिया लोन पेयर वो डोनर एटम, जो लिया उसने एक्सेप्टर एटम, तो क्या हुआ, डोनर एक्सेप्टर एटम, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल कराएंगे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं बोलूं NH4+ अमोनियम आयन, जरा ध्यान से देखिए, NH4+ एग्जांपल के तौर पे, NH4+ अमोनियम आयन, देखो 7 नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3, ये रहा इसका वैलेंस शेल, 2s2 और 2p3। अब इसके पास देखिए 4 हाइड्रोजन है, जिसके पास एक हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज है, तो चारों हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो होगा 1s1, 1s1, 1s1 और ये हो जाएगा 1s0, ठीक है। और ये खाली डब्बा, तो देखो क्या होगा, ये तीन हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान समझना, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इन तीनों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले नाइट्रोजन ने अपने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन को अलग किया, किसके लिए अलग किया, हाइड्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, देखिए ये हो गया N, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और एक लोन पेयर देखो नाइट्रोजन के पास है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन गिन लो नाइट्रोजन के भी 8 हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब एक H+ बेचारा यहां बैठा है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो बोला यार नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और ये लोन पेयर, ये उसने वैलेंस सेल के अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस्तेमाल भी नहीं किया, उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, तो H+ बोलेगा नाइट्रोजन यार ये लोन पेयर तुम मुझे दे देते तो मेरा यार डुप्लेट कंप्लीट हो जाता, तुम्हारा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लोन पेयर है ये तुम मुझे दे दो, तो मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हो जाऊं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि तुमने इस्तेमाल तो इसको किया नहीं, अपने खोपड़ी पे रख के फालतू का बैठे हो। तो नाइट्रोजन समझाता है H+ को कि हे मूर्ख H+, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये लोन पेयर मैं तुमको पूरी तरीके से दे दूंगा तो मेरे खुद के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तुम जरा आराम से आओ और मेरे इलेक्ट्रॉन को गिनो, इस लोन पेयर को गिनने के बाद मेरा 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, और इस लोन पेयर को लेके मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसको तुमको टोटली कैसे डोनेट कर दूं, तुमको डोनेट कर दूंगा मैं भिखारी बन जाऊंगा, मेरी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बोलेगा H+ यार कुछ मदद तो करोगे, ठीक है पूरी तरीके से डोनेट नहीं कर रहे हो तो मैं क्या कर सकते हो कि मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ी खुशियां पा जाऊं,
बोला ठीक है देखो मैं पूरी तरीके से डोनेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी तरीके से डोनेट करूंगा तो मेरा ही ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इतनी तुम उम्मीदें लेके मेरे पास आए हो, तुमको मायूस नहीं करूंगा, इस लोन पेयर को मैं तुमको डोनेट करूंगा, लेकिन ये लोन पेयर तुम्हारा भी गिना जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लिए भी गिने जाएंगे, मेरे लिए भी गिने जाएंगे, यानी कंप्लीट डोनेशन नहीं करूंगा, दे दो रहा हूं तुमको, देखो मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी रहेगा मेरा भी रहेगा, इस पे तुम्हारा भी हक रहेगा मेरा भी हक रहेगा, जिससे मेरा भी 8 गिना जाए तुम्हारा भी 2 गिना जाए। तो हुआ क्या, देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, एक एटम का कंप्लीट ऑक्टेट, एच प्लस का देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट यानी डुप्लेट इनकम्प्लीट था, लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, इसने लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डाल दिया एच प्लस को, बट ये लोन पेयर नाइट्रोजन का भी है और एच प्लस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो डोनर एटम, एच प्लस ने लिया तो एक्सेप्टर एटम, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। अब क्योंकि देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो यहां देखो नाइट्रोजन ने ट्रांसफर तो किया इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, बट कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर पाया, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर पाया, कि भैया कंप्लीट ट्रांसफर तब होता जब दोनों दोनों लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देता, तब ट्रांसफर तो किया बट कंप्लीट ट्रांसफर नहीं किया, इसीलिए सेमी आयनिक, और शेयरिंग भी की कर रहा है इलेक्ट्रॉन का बट कंप्लीट शेयरिंग भी नहीं है, इसीलिए क्या सेमी कोवेलेंट, थोड़ा सा ट्रांसफर भी किया थोड़ा सा शेयरिंग भी किया, इसलिए सेमी आयनिक सेमी कोवेलेंट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया क्या? समझा? ठीक है, ओके। अगला एग्जांपल फिर बताते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का, और एग्जांपल देते हैं, रुको जैसे अगला एग्जांपल हमने ले लिया ओजोन का, देखो ओजोन, अब ओजोन में तीन ऑक्सीजन है, ओजोन में तीन ऑक्सीजन है, अपने को पता है बेटा एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बहुत ध्यान समझो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 2 4 और 2 6, क्योंकि 6 का मतलब है इसके पास ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 6 में से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा, ये भी अपने 6 में से 2 को बीच में रखेगा ये, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन ये दोनों तो क्या करेंगे बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये दोनों ऑक्सीजन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, गिन लो देखो 8 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए। अब बेचारा ये ऑक्सीजन परेशान है कि यार मेरे पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, तो ये देखेगा यार इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एक लोन पेयर तो मुझे दे ही सकता है, बोलेगा भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तो मुझे दे दो, तुम्हारा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर वही ऑक्सीजन समझाएगा भाई मेरा लोन पेयर लेके 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तुमको मैं पूरी तरीके से नहीं दे सकता, हाँ मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तुमको सही बात समझ में आ रही है, लेकिन इस लोन पेयर के कारण ही कंप्लीट है, इसको कंप्लीट डोनेशन नहीं कर सकता तुमको, बोला मदद कर दो, बोला हाँ मदद कर दूंगा, ये लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये लोन पेयर मैं तुमको डोनेट करता हूँ, बट ये लोन पेयर तुम्हारा भी गिना जाएगा और मेरा भी गिना जाएगा, ठीक है, इसीलिए ओजोन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड और एक ऐसा ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना है, समझ में आया? तो ये हुआ बेटा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बेटा इसकी सारी प्रॉपर्टी बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही होती है, जो आपने वहां कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब आता है बेटा अपना अगला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, अब अपना अगला टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं, अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब अगर बोलूं अब से लेके अंत तक जो मैं पढ़ाऊंगा
मतलब कि जितने लेक्चर मैं लूंगा अंत तक, वहीं से इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? वही इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्या हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत अच्छे समझना है, वेस्पर थियरी समझाएंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी समझाएंगे, ड्रैगोज रूल बताएंगे, बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करते हैं, यही सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इस इधरी से आएंगे। अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो इंट्रेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो चलो पहले आज थोड़ा बेसिक हाइब्रिडाइजेशन का समझ लेते हैं, पहले कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और क्यों हाइब्रिडाइजेशन आया, क्या जरूरत पड़ गई हाइब्रिडाइजेशन की। तो बहुत ध्यान समझिएगा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो सब तो बाद में बताऊंगा कि ऑप्शन क्या होता है, पहले समझो जरूरत क्यों पड़ी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा SP, SP2, SP3, अब यहाँ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा SP3D, SP3D2, SP3D3, बहुत तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे आज, ठीक है? आज के टॉपिक में तो नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। बट सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया ही क्यों, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया ही क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने आ गई कि उनको हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज, और तुमको सही बताऊं तो कोई रियल कंसेप्ट भी नहीं है, इस हाइब्रिडाइजेशन टोटली हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, एकदम सोची समझी साजिश। जैसे एग्जांपल देखिए तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, जैसे मीथेन की बात करूं, आराम से समझना स्टार्ट करना। मीथेन तो देखो सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग, पहले मैं समझाना चाह रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आया ही क्यों, क्यों क्या जरूरत पड़ गई उनको। तो 1s2, 2s2, 2p2, ये रहा इसका वैलेंस सेल, जिसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो 2s2 और 2p2। देखो अभी कार्बन की कोवैलेंसी दिख रही है दो, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी कोवैलेंसी कहलाती है, ठीक है? लेकिन अपने को तो पता है CH4 में कार्बन की कोवैलेंसी तो चार है, वो चार कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा है, तो अपने को चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं कार्बन को ले जाऊंगा एक्साइटेड स्टेट में, जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। आराम समझिए, ये हो गया। अब देखो बेटा कोवेलेंसी हो गई चार, बस बात बन गई, चार कोवेलेंसी हो गई। अब अपने पास है चार हाइड्रोजन, अपने को पता है बेटा हर हाइड्रोजन क्या होगा, 1s1, 1s1। हर हाइड्रोजन क्या होगा आपका 1s1। अभी सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, कार्बन के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ये देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गए, और अपने को पता है ये ऑर्बिटल कार्बन का 2s है, ये ऑर्बिटल कार्बन का 2p है, और हाइड्रोजन का सारे ऑर्बिटल क्या है, हाइड्रोजन के s वाले हैं, और आपको पता है एस एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये कार्बन यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड, और एस और पी से भी सिग्मा ही बॉन्ड बनता है, आज ही बताया था आपको मैंने, एस और पी के ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, ये बताया था आज, एस एस ओवरलैप और एस पी ओवरलैप सिग्मा ही बना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कार्बन ने चार हाइड्रोजन के साथ चार सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये तो प्रॉब्लम क्या आई, चलो भाई हो तो गया, क्या कहते हैं मीथेन बंद गया, बट प्रॉब्लम क्या आई बेटा, यहां से क्वेश्चन अराइज, मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार अपने को पता, याद करो एन प्लस एल रूल से, अगर आपको पता हो कि हम ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर निकालते थे, 2s और 2p का अगर मैं एन प्लस एल लगाऊं तो n हो गया 2, और s सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 और 2 प्लस 1, तो ये 2 आया, n प्लस l की वैल्यू ये 3,
और अपने को पता है जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, जिसके एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब देखो, कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ भाई एक बॉन्ड अपने 2s के साथ, हाइड्रोजन का तो 1s ही है, हाइड्रोजन तो 1s ही ओवरलैप किया है, बट कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ अपने 2s ऑर्बिटल से बनाया है, जबकि तीन बॉन्ड अपने 2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनाया है। तो बेटा 2p वाले बॉन्ड की एनर्जी 2s वाले बॉन्ड की एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा कम हो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उस बॉन्ड की एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो ये 2s और 1s वाला बॉन्ड है इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, बाकी के जो तीन CH बॉन्ड है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि भाई अगर ये ओवरलैपिंग हो गई तो, अगर ये ओवरलैपिंग हो गई तो क्या हो गया आपका कि अपने को 2s और 2p में 2s की एनर्जी कम और 2p की एनर्जी ज्यादा, तो एक बॉन्ड कार्बन अपने 2s ऑर्बिटल से बनाया है और तीन बॉन्ड 2p ऑर्बिटल से बनाया है, तो जो तीन बॉन्ड 2p ऑर्बिटल वाले हैं उनकी एनर्जी ज्यादा और एक बॉन्ड की एनर्जी कम, यानी एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट एनर्जी के बॉन्ड हमको दिखने चाहिए थे, एक बॉन्ड कम एनर्जी के और तीन बॉन्ड ज्यादा एनर्जी के दिखने चाहिए थे। बराबर है कि नहीं? समझो समझो, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको एकदम अंदर तक घुस के कि हाइब्रिडाइजेशन आया कहां से। ठीक है भाई, नॉर्मल हमने ओवरलैपिंग करा दी तो कार्बन एक 2s के साथ ओवरलैप किया हाइड्रोजन, और कार्बन 2p के साथ तीन बॉन्ड बनाए, तो 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल। इसका मतलब तीन बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और एक बॉन्ड की एनर्जी कम होनी चाहिए, तो एक ही मॉलिक्यूल में हमको दो डिफरेंट एनर्जी के बॉन्ड दिखने चाहिए थे। बट हुआ क्या, जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो सारे बॉन्ड हमें आइडेंटिकल एनर्जी के दिखे, सारे बॉन्ड हमें आइडेंटिकल एनर्जी के दिखे। हमको तो डिफरेंट एनर्जी के बॉन्ड दिखने चाहिए थे, तीन बॉन्ड अलग एनर्जी के दिखना चाहिए था, एक बॉन्ड अलग एनर्जी का दिखना चाहिए था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस मॉलिक्यूल को देखा तो देखा कि सारे बॉन्ड यार इक्वल एनर्जी के हैं, तब वो सब एकदम दंग रह गए, यार ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि तीन बॉन्ड कार्बन अपने 2p ऑर्बिटल से बना रहा है, एक बॉन्ड अपने 2s से बना रहा है, तो 2s वाले की एनर्जी कम और 2p वाले की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, यहां चारों बॉन्ड इक्वल एनर्जी के कैसे दिख रहे हैं। तब उन्होंने एक सोची समझी साजिश को अंजाम दिया और इसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में हाइब्रिडाइजेशन का फंडा लेके आ गए। उन्होंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उन्होंने बोला हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। मतलब बहुत थोड़े मोड़े एनर्जी के डिफरेंस के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे 2s और 2p की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू मेक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनका इनकी बात समझो, अब फिर से बताता हूं कि चारों की एनर्जी को कॉन्स्टेंट कैसे बताया जाएगा, जबकि होनी चाहिए थी अलग, लेकिन दिख रही सारों चारों एनर्जी बराबर है। उसके लिए उन्होंने कंसेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का, तो मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाता हूं, फिर इसके पॉइंटर बताता हूं आपको। देखिए उन्होंने क्या बोला, देखो CH4 से ही समझाता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे उन्होंने समझाया, चारों बॉन्ड की एनर्जी को इक्वल कैसे एक्सप्लेन कर ले गए। उन्होंने क्या बोला भैया, जैसे 6 कार्बन है, 1s2 2s2 2p2, इसका वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो 2s2 और 2p2 अभी कोवैलेंसी दिख रही है दो, तो पहले तो कार्बन को एक्साइट करके हमको कोवेलेंसी 4 करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया। अब हम पिछले बात देखो, अब क्या हो गया, कोवेलेंसी हो गई हमारी 4, कोवेलेंसी हो गई 4 हमारी। अब पिछले बार देखो हमने हाइड्रोजन को डायरेक्ट ओवरलैप करा दिया था, अब इन्होंने जो साइंटिस्ट लोगों ने समझाया कि ऐसा करो इसको डायरेक्ट ओवरलैप कराओगे तो ये क्वेश्चन बना ही रह जाएगा दिमाग में कि यार ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है और दोनों की एनर्जी अलग होगी, तो दो एनर्जी के बॉन्ड दिखने चाहिए, लेकिन सारे बॉन्ड इक्वल एनर्जी के दिख रहे हैं, इसका मतलब हो ना हो इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा इसीलिए ये 2s और 2p इन चारों ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्स कर देंगे, आपस में मिला देंगे, और जितने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और इसी फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, यानी इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। मेरी बात सुनिएगा,
इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पता चला तुम 2s ऑर्बिटल को तुम 3s ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर रहे हो, नहीं, तुम 2s को 3p के साथ मिक्स करो, नहीं, कभी नहीं मिक्स कर सकते। 2s को 2p के साथ ही मिक्स कर सकते हो, 3s को 3p के साथ और 3d के साथ ही मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तुम पता चला 2s को तुम 3p के साथ मिक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं है। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को हम आपस में मिक्स करेंगे और नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब देखो, और दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहां देखो, हमने टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया, 1s और 3p, तो यहां पे 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अंडरगोज इंटरमिक्सिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया, 1s 3p, तो 4 बने। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा ना, वो डिपेंड करेगा तुमने किन किन ऑर्बिटल को मिक्स किया है। देखो, तुमने 1s और 3p को मिक्स किया है तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3। अब इसका मतलब, अब ये वाला भी ऑर्बिटल sp3 है, ये वाला भी ऑर्बिटल sp3 है, ये वाला भी ऑर्बिटल sp3 है, ये भी sp3, जबकि पहले ये 2s था और ये 2p था, अब सारे के सारे sp3 हो गए। 1s और 3p को मिक्स किया, इसका मतलब हाइड्रोजन बन गया sp3। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्स करते हो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब चारों का नाम क्या होगा, तो डिपेंड करता है तुमने किसको किसको मिक्स किया। अगर तुमने 1s और 2p को मिक्स किया होता, 1s और 2p को मिक्स किया होता, तो हाइड्रोजन बनता है sp2। तुमने 1s और 3p को मिक्स किया तो sp3। अब ये चारों ऑर्बिटल sp3 है, और कार्बन के देखो चारों sp3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा, अपने को पता है कि जो ऑर्बिटल होता है वो ऐसा प्लेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो अब देखो, कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। आपने कभी सोचा कि भाई यार CH4 को हम ऐसे क्यों नहीं लिखते स्क्वायर में, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है। CH4 को आप ऐसे ही भाई 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, CH4 को तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट हम CH4 को हमेशा ऐसे ही क्यों लिखते हैं टेट्राहेड्रल, ऐसे ही क्यों लिखते हैं टेट्राहेड्रल, जहां दो CH के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, या फिर 109 डिग्री 109.5 डिग्री का होता है, और इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कभी सोचा है ऐसा जब ऑर्गेनिक पढ़ा कि यार हम CH4 को ऐसे क्यों नहीं लिखते स्क्वायर में, ठीक है। तो रीजन क्या होता है बेटा कि देखो, ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, चारों के पास इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो चारों ऑर्बिटल अपने आप को बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे जिससे इनमें मिनिमम रिपल्शन हो। इसीलिए क्या होता है, कार्बन के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे दूर हो जाते हैं, जिससे उनमें मिनिमम रिपल्शन होता है, उनमें मिनिमम रिपल्शन होता है, और इसी की वजह से इस मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मिलती है जिसको हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इन सब से एक एक हाइड्रोजन बेटा ओवरलैप कर लेगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो देखो, इन सब से हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर गया, इन सब के अब हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर गया। तो अब देखो, जो सारे बॉन्ड है बेटा, जो हाइड्रोजन का ओवरलैप कर गया और यहां बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, तो अब सारे के सारे ये ऑर्बिटल कौन से है, sp3। अब कोई 2s और 2p नहीं रह गया, sp3, चारों के चारों sp3। अब यानी चारों जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब कोई 2s और 1s और 2p और 1s नहीं रह गया, अब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड sp3 और 1s हो गया, जिससे इसकी एनर्जी कांस्टेंट हो गई और चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के पीछे बेटा ये कहानी थी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, कैसे देखा गया, क्या प्रॉब्लम आई थी लोगों को, ने सर लास्ट वन अगेन।
बेटा इसमें होता क्या है, लास्ट वन में क्या है, हमने बोला कि देखो चार एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा मैक्सिमम होती है। तो कार्बन की ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना पसंद करेंगे, जिससे उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, और चार ऑर्बिटल के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस तब अचीव होती है जब चारों ऑर्बिटल एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री के एंगल पे जब सेपरेट होते हैं, तब उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होती है जिससे रिपल्शन मिनिमम होता है। यही वजह है कि CH4 बनते समय कार्बन के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से इस एंगल पे सेपरेट होते हैं जिनमें उनमें रिपल्शन कम हो। अब देखो चारों sp3 ऐसे क्यों नहीं हो गए, चारों sp3 ऐसे क्यों नहीं हो गए, क्योंकि अगर ऐसा चारों sp3 होता तो 90 डिग्री का एंगल होता दो sp3 के बीच में, जिससे रिपल्शन ज्यादा होता और रिपल्शन से एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है यानी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का प्रयास करते हैं जिससे उनमें मिनिमम रिपल्शन हो, और इसी वजह से क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री अचीव हो जाती है, CH4 टेट्राहेड्रल दिखता है आपको। तो चारों sp3 109 डिग्री 5 मिनट पे चले गए जिससे उनमें क्या हो गया, रिपल्शन मिनिमम हो गया। अब सब sp3 से हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर जाएगा, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सारे बॉन्ड सिग्मा है। लेकिन अब सारे बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के हैं वो कौन से बॉन्ड है, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का 1s सिग्मा, ये चारों के चारों वो बॉन्ड है। अब देखो अगर चारों बॉन्ड sp3 1s हो गया, इसका मतलब एनर्जी तो सही क्या हो गई, इक्वल हो गई ना चारों बॉन्ड की, और आपको मीथेन कैसा दिखेगा, टेट्राहेड्रल, इसीलिए मीथेन की ज्योमेट्री ऐसी होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है मीथेन की। समझ में आया हाइब्रिडेशन क्यों हुआ अच्छे से और ज्योमेट्री क्यों अचीव हुई, सब कुछ आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। चलिए डन, आइए अब क्या होगा, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट क्या है, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, स्ट्रक्चर दिया रहे तब कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहे तब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ये सब टॉपिक अगले लेक्चर में होंगे। अब ठीक है हाइब्रिडाइजेशन खत्म करेंगे, वेस्पर थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, बॉन्ड एंगल, तब ये टॉपिक खत्म होगा पूरा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको पूरा हाइड्रोजन को और आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोजन इतना तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा पिछला।